हाय दोस्तों, मैं प्रशांत मौर्य आप सभी का अपने चैनल ड्रीम जॉब विथ अंकित में स्वागत करता हूं। आज से हम एसएससी एमटीएस के प्रीवियस ईयर आंसर के जीके के क्वेश्चन देखने वाले हैं, तो कृपया आप सभी लोग वीडियो को पूरा देखें और अपने दोस्तों के पास शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। तो देखते हैं एसएससी एमटीएस का एक आज का सेट। पहला क्वेश्चन है, शिव कुमार शर्मा का नाम किस वाग्यंत्र से जुड़ा है? तो शिव कुमार शर्मा का नाम संतूर वाद्य यंत्र से जुड़ा है। अब संतूर वाद्य यंत्र से अब देखते हैं कुछ, जैसे सितार है, सितार से किसका किसका नाम है? सितार से पंडित रविशंकर और उमा शंकर मिश्र और बंदे हसन, तीन लोग सितार वादक से हैं। और ढोलक वादक से कौन कौन है? ढोलक वादक से कमरुद्दीन, जिन्हें कम्मू भी कहते हैं, और ग्रीस कहते हैं, दो नाम हो गया। और तबला वादक से देखिए, तबला वादक से है उस्ताद अल्लाह रखा खां और जाकिर हुसैन। तबला वादक से उस्ताद अल्लाह रखा खां और जाकिर हुसैन। और देखते हैं, ढोलक हो गया, तबला हो गया, संतूर हो गया, संतूर वादक से देख लीजिए शिव कुमार शर्मा हैं, एक भजन लाल सुपारी हैं, ये महत्वपूर्ण हैं दोनों लोग संतूर वादक से। इसका सही आंसर संतूर वादक होगा और एसएससी भी सही आंसर दिया है। तो अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ पानी में घुलनशील है? तो कौन सा पदार्थ पानी में घुलनशील है? अघुलनशील है। अघुलनशील दूध तो घुलनशील है, और दूध घुलनशील हो गया। उसके बाद चीनी घुलनशील है, नमक घुलनशील है, चाक पाउडर जो है पानी में नहीं घुलता है। इसका सही आंसर चाक पाउडर हो गया। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत सरकार के किस विभाग ने अप्रैल 2022 में वन हेल्थ प्रायोगिक परियोजना शुरू किया? तो कौन सी सरकार? पशुपालन और डेयरी विभाग। यह सरकार ने अप्रैल 2000 में वन हेल्थ प्रायोगिक परियोजना शुरू किया, जिसे पायलट प्रोजेक्ट भी कहते हैं। तो इसका सही आंसर पशुपालन और डेयरी विभाग हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र का उदाहरण कौन सा है? तो कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र का उदाहरण ए है बगीचा, ठीक, तालाब, झील और जंगल कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र का उदाहरण नहीं है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का लिंगानुपात लगभग कितना है? तो 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का लिंगानुपात प्रति 1000 पुरुष पर 940 महिलाएं हैं, ठीक। अब देखिए, सबसे अधिक लिंगानुपात वाला राज्य केरल है, केरल, और सबसे कम लिंगानुपात वाला राज्य हरियाणा है, हरियाणा, ठीक। एक क्वेश्चन हो गया। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। 25 क्वेश्चन हम डेली करेंगे, एक क्लास एमटीएस और सीएसएल मतलब एसएससी की किसी भी एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण क्लास है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन कौन सा है। 6 अप्रैल 2022 तक उपलब्ध जानकारी के अनुसार भारत की निम्नलिखित में से कौन सी ट्रेन सबसे तेज चलने वाली है ट्रेन? अब सबसे तेज कौन सी ट्रेन चलती है? हावड़ा राजधानी एक्सप्रेस, महाराष्ट्र संपर्क एक्सप्रेस, वंदे भारत एक्सप्रेस, हावड़ा रांची शताब्दी एक्सप्रेस। तो सबसे तेज चलने वाली ट्रेन वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन है, ठीक। इसका सही उत्तर वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन हो गया। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। सरकार द्वारा काहे से लड़ने के लिए अंत्योदय अन्न योजना मतलब गरीबी से लड़ने के लिए अंत्योदय अन्न योजना शुरू की गई, गरीबी से लड़ने, इसके सही उत्तर गरीबी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस व्यक्ति जिसे इसने भरे उपनाम नाइटिंगल ऑफ इंडिया भारत की स्वर्ग कोकिला के रूप में जाना जाता है, जिनका फरवरी 2022 में निधन हो गया? तो किसका फरवरी 2022 में निधन हुआ? लता मंगेशकर जी का।
लता मंगेशकर जी का फरवरी 2022 में निधन हो गया। अब लता मंगेशकर कहाँ के हैं? इंदौर के हैं और इन्हें 2001 में पद्म विभूषण पुरस्कार प्राप्त हुआ था। ठीक, अब देखते हैं सबसे ज़्यादा फिल्म फेयर अवार्ड, मतलब फिल्म फेयर अवार्ड 6 बार पा चुकी हैं लता मंगेशकर। और लता मंगेशकर अवार्ड श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जो हमारे पीएम हैं उनको मिला है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। भारत के किस बौद्ध स्थल पर गौतम बुद्ध ने सबसे पहले धर्म प्रचार किया था? तो भारत के कहाँ सबसे पहले धर्म प्रचार किए थे? सारनाथ में सबसे पहले धर्म प्रचार किए थे। ठीक, अब देखते हैं बोध गयम तो इनका ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, जैसे पहले नाम था सिद्धार्थ और बोध गयम जब ज्ञान की प्राप्ति हो गई तो इनका सिद्धार्थ नाम से गौतम बुद्ध नाम से प्रसिद्ध हो गए और लुम्बिनी में इनका जन्म हुआ था। ठीक, और सर्वाधिक उपदेश श्रावस्ती में दिए थे और कुशीनगर में इनका मृत्यु या महापरिनिर्वाण कहते हैं हो चुकी है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र है NaHCO3। ठीक, और इसे खाने का सोडा भी कहते हैं। और CaSO4 का क्या है? CaSO4 प्लास्टर ऑफ पेरिस है, ये प्लास्टर ऑफ पेरिस है। NH4Cl क्या है? NH4Cl अमोनियम क्लोराइड है। और Na2CO3 क्या है? Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट, इसको हम धावन सोडा भी कहते हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय अर्थव्यवस्था में वित्तीय वर्ष कहाँ से कहाँ तक चलता है? तो भारतीय अर्थव्यवस्था में वित्तीय वर्ष जो है एक अप्रैल से 31 मार्च तक। अब देखिए RBI की स्थापना कब हुई? RBI की स्थापना 1 अप्रैल 1935 में हुआ, इसीलिए अब देखिए 1 अप्रैल से 31 मार्च तक वित्तीय वर्ष चलता है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, सैम अग्रे चट्टान के उदाहरण की चर्चा करता है या निम्नलिखित में से कौन सा हो सकता है? तो कौन सा हो सकता है? संगमरमर जो कि मार्बल कहलाता है नहीं है, बलुआ पत्थर सैंडस्टोन कहलाता है नहीं है, चूना पत्थर लाइमस्टोन कहलाता है नहीं है, ये तीनों गलत हो चुके। अब अतिस्ताम बेसाल्ट यही है सैम अग्नेय चट्टान का उदाहरण। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, FIH पुरुष हॉकी विश्व कप 2018 किसने जीता? अब देखिए FIH मतलब इसका फुल फॉर्म क्या होगा? FIH फेडरेशन इंटरनेशनल हॉकी। ठीक, अब देखिए 2018 में किसने जीता? 2018 में बेल्जियम जीत चुका है और 2023 में भारत मेजबानी कर रहा है। 2023 में भारत मेजबानी कर रहा है कहाँ, किस राज्य में? ओडिशा राज्य में भुवनेश्वर के कलिंगा स्टेडियम और राउरकेला के बिरसा मुंडा स्टेडियम में। इसमें 16 देशों ने भाग लिया, कितने देशों ने? इसमें 16 देशों ने भाग लिया है, 16 देशों ने। और सर्वाधिक बार जो जीता है पाकिस्तान 4 बार हॉकी विश्व कप जीत चुका है, 4 बार, लेकिन वह भाग नहीं लिया है। अब 29 जनवरी को इसका फाइनल खेला जाएगा, जो टीम फाइनल जीतेगी। अब आज देखिए कौन सी टीम फाइनल जीतती है, देखते हैं। अब अगला क्वेश्चन, गुलाम वंश के शासक गयासुद्दीन बलबन जो कि 1265 से 1286 ईस्वी तक ने कौन सी उपाधि धारण की? तो जिल ए इलाही जिसे भगवान की छाया भी कहते हैं, यही उपाधि गयासुद्दीन बलबन ने धारण की। अब देखिए नूर महल मतलब महल की रोशनी। ठीक, नूर जहां को मिला था उपाधि, जहां पना मतलब विश्व के रक्षक, नूर अल दीन मतलब विश्वास के प्रकाश। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं, व्यपगत के सिद्धांत का प्रतिपादन से किसके द्वारा किया गया? तो व्यपगत के सिद्धांत का प्रतिपादन लॉर्ड डलहौजी ने किया। ठीक, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं,
1846 में ब्रिटिश साम्राज्य और महाराजा दिलीप सिंह के बीच लाहौर की संधि पर हस्ताक्षर किए गए, इसका सही उत्तर कौन सा है? महाराजा दिलीप सिंह, महाराजा दिलीप सिंह, इसका सही उत्तर महाराजा दिलीप सिंह हो गया। एसएससी ने महाराजा दिलीप सिंह दिया था। अब देखिए जो लड़का किया था महाराजा रणजीत सिंह किया था, तो इसमें कन्फ्यूजन नहीं होने का। 1846 में ब्रिटिश साम्राज्य और महाराजा दिलीप सिंह के बीच लाहौर की संधि पर हस्ताक्षर हुए थे। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सी नदी भारतीय रेगिस्तान की एकमात्र बड़ी नदी है? तो रेगिस्तान में एक नदी है लूनी नदी। लूनी नदी जो है, अब भारतीय रेगिस्तान में थार का रेगिस्तान कहा जाता है, थार का रेगिस्तान, थार का रेगिस्तान। अब लूनी नदी उसकी एक सबसे बड़ी नदी है, जो कच्छ के कछार में, कच्छ की खाड़ी जो है वहाँ आके दलदल में समाप्त हो जाती है। अब देखिए अगला क्वेश्चन। भारत का निम्नलिखित में से कौन सा राज्य 2023 के विश्व कप, हॉकी विश्व कप की मेजबानी करेगा? तो 2023 में कौन सा भारत तो करेगा ही मेजबानी, उसमें उड़ीसा राज्य। अभी अभी हमने बताया उड़ीसा राज्य के दो मतलब शहर, एक भुवनेश्वर और एक राउरकेला। भुवनेश्वर में कलिंगा स्टेडियम और राउरकेला में बिरसा मुंडा स्टेडियम, दोनों स्टेडियम भाग लेंगे। अब देखिए 16 देश इसमें मेजबानी कर रहे हैं, अभी हमने बताया। और हॉकी का मुख्यालय कहाँ है? लुसाने स्विट्जरलैंड में है। जो FIH का मुख्यालय है वो लुसाने स्विट्जरलैंड में है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। मोदी गवर्नमेंट न्यू सर्ज ऑफ कम्युनलिज्म पुस्तक के लेखक कौन है? तो सीताराम येचुरी हैं, इसका सही उत्तर हो जाएगा सीताराम येचुरी। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है ओडिसी नृत्य शैली मूल रूप से किस राज्य से संबंधित है? ओडिसी नृत्य शैली ओडिशा से संबंधित है। और अब देखिए इसमें कन्फ्यूजन नहीं होने का। शास्त्रीय भाषा 6 शास्त्रीय भाषा हैं और नृत्य कितने हैं? 8 नृत्य हैं। नृत्य तो 8 हैं, भाषा 6 हैं। नृत्य 8, भाषा 6, इसमें कन्फ्यूजन नहीं। भाषा मतलब 6, नृत्य 8। अब देखिए शास्त्रीय भाषा में देखिए उड़ीसी उड़ीसा से है और तमिलनाडु, मतलब तमिलनाडु में कौन सा है? भरतनाट्यम है। भरतनाट्यम तमिलनाडु से है, भरतनाट्यम तमिलनाडु। केरल में कौन सा है? केरल में है कथकली, कथकली केरल में है। उसके बाद आंध्र प्रदेश में कौन सा है? आंध्र प्रदेश में कुचिपुड़ी है, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश। और कथक उत्तर भारत में है, कथक उत्तर भारत में। देखिए अब अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में किस राज्य में विधानमंडल में 2 सदन है? विधानमंडल मतलब जैसे कि केंद्र में होता है संसद, संसद के 2 सदस्य हैं, जैसे संसद के 2 हैं राज्यसभा लोकसभा, इसी तरह राज्य में विधानमंडल होता है। विधानमंडल में 2 सदन है, एक विधानसभा एक विधान परिषद। तो विधानसभा तो सभी राज्य में है, अब विधान परिषद भारत के 6 राज्य में है। 6 राज्य कौन कौन से हैं? उत्तर प्रदेश, बिहार, ठीक पहले 2 राज्य हो गए उत्तर प्रदेश, 6 राज्य में हैं, उत्तर प्रदेश बिहार हो गया, उसके बाद कर्नाटक महाराष्ट्र हो गया, आंध्र प्रदेश तेलंगाना हो गया। तो इसमें कौन कौन सा? झारखंड तो है नहीं, गुजरात भी नहीं है, राजस्थान भी नहीं है, तो इसका सही उत्तर महाराष्ट्र है। अब देखिए महाराष्ट्र, कर्नाटक, बिहार, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, 6 राज्य हैं जिसमें 2 सदन हैं, वही वो विधान परिषद कहलाता है। और सभी में विधानसभा है, मतलब इन राज्यों में 2 सदन हैं, बाकी सब में 1 सदन है। अब देखिए भारत मार्च 2022 तक उपलब्ध जानकारी के अनुसार भारतीय संविधान में भारतीय नागरिकों के कितने मौलिक कर्तव्य हैं? तो मौलिक कर्तव्य कितने हैं? 11 मौलिक कर्तव्य हैं। और मौलिक कर्तव्य किस भाग में है, किस भाग में है? तो भाग 51 का, मतलब अनुच्छेद 51 में है, 51 का में, ठीक भाग 4 में है, भाग 4 का में, 4 का में, 4 का भाग 4 का में है मौलिक कर्तव्य, ठीक इसमें 11 मौलिक कर्तव्य हैं टोटल। अब अगला क्वेश्चन। एहोल
किसकी राजधानी थी? तो ऐहोल चालुक्यों की राजधानी थी। ठीक, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और ये पूरा सेट अब डेली चलने वाला है, पूरा सेट MTS का, CHSL का। तो सभी लोग सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने मित्रों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। अब डेली एक सेट MTS का और एक CHSL का चलने वाला है, जो कि SSC के सभी परीक्षाओं के लिए, CGL, CPO, SSC, MTS, उसके बाद पोस्ट 11, CHSL, बाकी सभी एग्जामों के लिए, SSC के सभी एग्जामों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कृपया आप लोग सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें। अगला क्वेश्चन 24 नंबर, डेली 25 क्वेश्चन होंगे एक सेट में, और MTS के लिए GK बहुत महत्वपूर्ण है। कोणार्क, अब देखिए कोणार्क नृत्य उत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? तो कोणार्क उड़ीसा राज्य में मनाया जाता है कोणार्क नृत्य। कोणार्क का सूर्य मंदिर कहाँ है? उड़ीसा में है। अब देखिए अगला क्वेश्चन है, टंकेश्वर हजारिका बोर बयान को भारत के किस शास्त्रीय नृत्य के उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए 2018 का संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया? अब देखिए हजारिका, अगर आए हजारिका शब्द तो ज़्यादातर असम से संबंधित होगा, यह शब्द असम से संबंधित होगा। अगर हजारिका आ गया तो वो शब्द असम से संबंधित होगा। और असम का कौन सा शास्त्रीय नृत्य है? शास्त्रीय असम की है। और किचिपुड़ी आंध्र प्रदेश, भरतनाट्यम तमिलनाडु, कथक उत्तर भारत, सब हो गया। अब 25 क्वेश्चन हो गए, आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।